दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का क्या प्रोसेस होता है। तो यहां पर आप लोग साइड में देख सकते हो हमारे फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन है और यहां पर जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो ऐसा ही पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए नीचे आपको दिखाई देगा क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोड जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंटर कन्फर्म द कोड, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 6 digit कोड वी सेंट बाय व्हाट्सअप, ठीक है, यानी कि इस नंबर से जो व्हाट्सअप बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस नंबर से मैंने व्हाट्सअप ही नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आई डिड नॉट गेट द कोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, रीसेंट कन्फर्म कोड, चेंज मोबाइल नंबर, कन्फर्म बाया ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम कन्फर्म बाय ईमेल पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो है ईमेल डाल देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कोड जाएगा आपके ईमेल पे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोड आया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 13 0 765। तो चलिए हम यहाँ पर जो है कोड डाल देते हैं। कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ना यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और ध्यान रहे आपको ऐसा पासवर्ड डालना है जो कि हाई पासवर्ड होना चाहिए और आपको याद रहे, बाकी किसी को भी याद ना रहे। यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ही डाल देते हैं, तो यहाँ पर ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है, आपको यूनिक पासवर्ड डालना है जिसमें कि @#, और नंबर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कुछ लेटर भी होना चाहिए, तो आपको ऐसा पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर सेव योर लॉगिन इन्फो, तो चलिए मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो नॉट नाउ पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो है ना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, सिलेक्ट करना है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेट का बटन दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको पहले अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेट पर आपको क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फुल नेम भीमराज। उसके बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूज़र नेम एक सजेस्ट कर दिया है, जो कि यूनिक यूज़र नेम है जो कि अवेलेबल है, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर जैसे कि इसे कट कर देता हूँ भीमराज 079 में जैसे कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं अवेलेबल है या नहीं, तो ये अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एग्री टू इंस्टाग्राम्स टर्म्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्री पर क्लिक कर देता हूँ। आई एग्री आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंस्टाग्राम की पॉलिसी है, इसे आई एग्री नहीं करोगे तो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा ऐड पिक्चर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप चाहो तो इस प्रोसेस को जो है स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, आप चाहो तो टेक ए फोटो तुरंत ले भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी से गैलरी में मेरे फोटो पड़ा हुआ है, चलिए हम उसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ़ोटो हैं, तो चलिए जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और आप इसे चाहो तो एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉप का बटन दिखाई देगा एडिट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद डन पर आपको क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे डन पर क्लिक करोगे जस्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है बस। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए वेलकम टू इंस्टाग्राम, उसके बाद आपका यूज़र नेम, देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो है स्किप भी कर सकते हो, चाहो तो आप कंटिन्यू पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्किप पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से फिर से स्किप पर क्लिक कर देना है। स्किप पर क्लिक करने के बाद ऊपर एक एरो दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग देखिए एरो दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बन चुका है। तो इस तरीके से आप जो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक जरूर कीजिएगा,
चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।